ठीक है भाई, हम लिमिट कर रहे थे, अब हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यू पे। थोड़ा सा लिमिट पे थोड़ा रिकॉल कर लें। लिमिट हमने पढ़ी थी कि यदि ये ए माइनस ज़ीरो और ए प्लस ज़ीरो यानी कि इसके नेबरहुड में इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। तो हमने लिमिट एग्जिस्ट कब कहा था, इफ लिमिट ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर दोनों इक्वल है, ठीक है। और हमने ये कहा था कि यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करती हो या नहीं, एट एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा या नहीं कर रहा, डिफाइन है या डिफाइन नहीं है, उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं था। बस कंटिन्यूटी में यही है, अगर ये एफ ए इक्वल टू हो जाए, समझ रहे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, वैसे अगर हम जनरली देखें ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब कोई चीज़ कंटिन्यू चल रही है, ठीक। अगर कहीं से वो ब्रेक हो गया तो वहाँ फंक्शन कंटिन्यू नहीं था। अब तक हमने लिमिट निकाल ली थी, यहाँ निकाल ली और यहाँ निकाल ली थी। अगर यहाँ लिमिट थी एग्जिस्ट कर रही थी तो वो लिमिट है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। अब यदि इस पॉइंट पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ये भी आ गया, तो क्या होगा, फंक्शन जुड़ गया ना, तो इट मीन्स इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो मैथमेटिकली जब हम ये प्रूव करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, ठीक, या
अगर ये है, इफ इफ ए फंक्शन एक्स टेंड टू ए एंड लिमिट ठीक है, इस चीज को हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि हमने ये कहा था ए लिमिट इज एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसमें दोनों आ गई ना, दोनों यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करती हो और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल करती हो, और ये सारी क्या होनी चाहिए यहाँ पे, ये फाइनाइट ठीक है। अब हमने फाइनाइट ठीक है, देख लिया ठीक है, इज कंटिन्यूअस ठीक है। ठीक है, अब हमें जो लिमिट निकालनी है किस पॉइंट पर निकालनी है, जीरो पे निकालनी है। कौन कौन सी लिमिट निकालनी है इसकी, लाइट हैंड ठीक है।
यही होगी ना, जब हम इस तरह से लिमिट निकाल लेंगे जीरो माइनस, और हमें लिमिट करनी सिर्फ टेन टू जीरो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस एक्स की जगह जीरो माइनस एच रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जीरो माइनस एच, जीरो माइनस समथिंग, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो, ये आ जाएगा ना। एक्स की वैल्यू जो है, एच की वैल्यू जीरो तो नहीं है ना यहाँ पे, जीरो से अलग है, कुछ भी हो सकती है, एच मतलब स्मॉल क्वांटिटी है, जीरो तो नहीं है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ये एक्स की जगह माइनस एच, ठीक है, एच की वैल्यू जीरो रखो, जीरो इंटू एच की वैल्यू, जैसे जैसे हम जीरो रखेंगे मतलब टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो है मतलब टू थ्री, आप समझेंगे अगर हम टेन से स्टार्ट करें, टेन नाइन एट सेवन सिक्स इस तरह, तो वैल्यू जो है इसकी, इसके बीच ही तो रहेगी, फिक्स तो वैल्यू नहीं कोई इसकी, वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑसिलेट बिटवीन माइनस वन टू, यानी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू तो आ रही, मल्टीप्लीकेशन किससे है, राइट हैंड लिमिट, जीरो आ गई। जीरो पे जीरो पे दस, ट्वेल्थ में तो समझ में नहीं आया होगा कुछ, या आया था हैं, आ गया समझ में, लेकिन वो छोटे क्वेश्चन थे, सही वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
देखो जरा करके से एक मिनट। कोट नहीं है, कोस है, कोस है, कोस कोस है। हो गया स्पोर्ट नहीं है तो उसे पहले से तो सही करो।
ठीक है। ये वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू लिख लिया। That the function is
कर दोगे? देखो करके देखो करके जरा आ लिया। ये क्या प्रूव करना हमें? डिसकंटिन्यूटी, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं।
ठीक है, कर लिया था यहाँ तक। समझ में आ गया था। इससे ही नहीं, कैसे कैंसिल हो जाएगा? एलसीएम ले गया फिर इसकी ऐसी सूरत बन जाएगी, यहाँ माइनस का वहाँ प्लस का जाएगा, क्या जाएगा? वन माइनस ई की पावर वन, उससे सोल्यूशन नहीं होने का ना हमारा। अब देखिए अगर ये इस फंक्शन में यदि एच टेन टू जीरो रखते हैं तो ई की पावर कितना हो जाएगा? मान लो ई की पावर कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। और जब इनफाइनाइट से वन को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? जीरो आएगा ना। एच वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो ये जीरो माइनस वन हो जाएगा, तो ये जीरो प्लस वन दैट इज माइनस वन। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इसकी आसान पड़ेगी। जी की पावर वन अपॉन एच माइनस वन ई की पावर वन अपॉन एच प्लस वन लिमिट एच टेन टू जीरो। ई की पावर एच ऊपर से कॉमन ले लूं, यहाँ क्या बचेगा? वन माइनस वन अपॉन ई की पावर वन अपॉन एच, नीचे क्या बचेगा? वन प्लस वन अपॉन ई की पावर वन अपॉन एच, दिस विल बी जीरो एंड दिस विल बी जीरो। Now what will become? 1 upon 1, that is 1, right? Now the value of function f 0 equal to कितनी है given इसमें? 0. तो यहाँ क्या हुआ? Here left hand limit is not equal to right hand limit, और ना ही किसके equal है? Limit at 0. So the function is राइट।
क्वेश्चन समझ में आ रहा कुछ? बताइए। कह रहा है इसमें m की वैल्यू क्या है, इसमें इंपोज रखते हैं m को क्या रखते हैं कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो जाए। What conditions would be imposed on m कि fx क्या हो जा continuous। चलो if fx is continuous ठीक, या
ठीक है। ठीक है, ठीक है। लिमिट एच टेन टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच, क्या होगा ये बताइए। एक्स की जगह एच, ठीक है, साइन वन अपॉन माइनस एच, माइनस साइन वन अपॉन एच हो जाएगा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये माइनस तो बाहर आ गया सारे से। अब देखो लिमिट एच टेन टू जीरो और ये माइनस एच की पावर एम साइन वन अपॉन एच। अगर हम एच की वैल्यू जीरो रखे हैं तो ये तो ऑक्सीलेट करेगा माइनस वन टू वन के बीच। आपने माइनस तो बाहर रख दिया, फिर माइनस ये एच वाला माइनस नहीं, इसके साथ वाला माइनस रखा है, ठीक है। देखो एच की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू तो माइनस वन टू वन के बीच ऑक्सीलेट करेगी, ये फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। और अब यहाँ पे बात आती है, ये क्वांटिटी कैसी होगी, एच है नियरेस्ट लगभग जीरो के आसपास है, जीरो के आसपास यानी कि फ्रैक्शन में है। और अगर यहाँ पे एम, या इसे भी छोड़ दें सिर्फ एच को ले लें, अगर एम लेस देन जीरो हो जा, या पहली कंडीशन तो आप ये सोचो कि अगर एम जीरो हो, ये जीरो होगी, ठीक है। और जीरो होने पे ये सिर्फ एच पे डिपेंड करेगी, यानी कि ये क्या हो जाएगी, जीरो नियरेस्ट है, तो यहाँ भी कोई डिफाइन नहीं कर पाए। और अगर एम की वैल्यू वन हो जा तो ये एच के में चले जाएगा अपॉन में, और एच अपॉन में आएगा तो क्या हो जाएगी, ये क्वांटिटी इनफाइनाइट, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, तो इनफाइनाइट होने पे जो लिमिट आएगी हमारी क्या आएगी, इनफाइनाइट, तो क्या फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लें तो ये वैल्यू मतलब ऊपर ही रहेगी एक तरह m की वैल्यू, और जो भी आएगी वो एक डेफिनेट नंबर आएगा। तो यहाँ से क्या निकला कि m ग्रेटर देन जीरो। इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल, राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या निकलेगा, जो तो क्या होगा यहाँ पे h की पावर n, ठीक है, साइन वन अपॉन एच, और तो ठीक है इससे भी क्या होना चाहिए, एम ग्रेटर देन जीरो। अच्छा ये वैल्यू तो ऑक्सीलेट कर ही रही है, एच की वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या आ गया, जीरो। इसी तरह यहां जीरो रखेंगे, ऑक्सीलेट करेगी जीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो होगी, राइट हैंड लिमिट भी जीरो होगी, और किसके लिए जीरो होगी, एट ए फंक्शन। तो इसलिए एम की क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें, ग्रेटर देन जीरो।
थोड़े कुछ फंक्शन है जरा उन्हें समझ लो, क्योंकि बाद में दिक्कत होगी। कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है? पढ़ान है? क्या होता है बताओ? ये फंक्शन है, यानी कि ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें y की हमेशा वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? जो कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा? मान लिया अगर कोई फंक्शन ही वाई बराबर सी है, ठीक है, ये एक्स एक्स है और ये वाई, एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, वाई की वैल्यू क्या रहेगी? ठीक, ग्राफ जितने भी हैं ना एक एक को यहां बिठा लो, thank you.
ये आई ओब्लिक वाई, जैसे हम एक्स एक्स वाई एक्स दिखाते हैं ना, तो इसमें क्या है कि आइडेंटिटी फंक्शन दिखाया हमने, तो वाई की जगह आई दिखा दिया मैंने। अगर इसको आई की जगह वाई लिखेंगे तो वाई इक्वल टू एक्स, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है। कहने का मतलब है कि एक्स की वैल्यू वन लेंगे तो वाई की वन आएगी, एक्स की टू तो वाई की टू, एक्स की थ्री वाई की थ्री, एक्स की फोर वाई की फोर, कौन से बिंदु आ जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कहीं आपको किसी भी क्वेश्चन में आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाता है या कॉन्स्टेंट फंक्शन मिल जाता है, क्या आप चेक करोगे वो कंटिन्यूस है या नहीं, क्योंकि वो हर जगह कंटिन्यूस होता है। ठीक है, जानते हो मोड फंक्शन क्या होता है? ये कहता है मोड फंक्शन, समझ रहे? अगर जीरो से छोटा तो माइनस एक्स, ग्रेटर देन इक्वल टू तो एक्स। अब अभी इसका अगर हम रिजल्ट निकाल लें, एक्चुअल में जो मोड फंक्शन होती है, जो मोड वैल्यू इस टोटल की बात करें, इसकी वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। क्यों? फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू तो क्या आ जाएगा? वाई इक्वल टू। ठीक, इफ एक्स इक्वल टू टू, अगर एक्स इक्वल टू जीरो तो वाई इक्वल टू, अगर एक्स इक्वल टू माइनस टू तो वाई इक्वल टू क्या आएगा? माइनस माइनस टू। यानी कि वैल्यू तो ऑलवेज वानी वो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन जब वेरिएबल में है तब हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखिए। जब इसने कहा एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखो या पॉजिटिव, अब देखो इसके दो रूप हो गए एक तरह से। ग्राफ देखिए, अगर एक्स की वैल्यू या तो जीरो है या जीरो से बड़ी है, इस पे चल रही है, तो फंक्शन कैसे ट्रीट कर रहा है? वाई इक्वल टू एक्स, और वाई इक्वल टू एक्स अगर आप क्या है, ये है सीधा क्रॉस। दूसरी कंडीशन, अगर एक्स लेस देन जीरो अगर इधर चल रहे हैं तब भी क्या है? वाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स कौन सा है? ये है। तो ये और ये दोनों मिला के वाई इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ।
प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट हो सर, जी जी प्रेजेंट हो सर, ने मीटिंग ले रखी थी ऑनलाइन। दो क्वेश्चन है वो करके लाना आप लोग, ठीक है।
एक क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंड टू जीरो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस टू की पावर वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। लिमिट दिखानी है इसकी, इसकी लिमिट ई की पावर वन बाई टू है या ई की पावर वन बाई फोर है या ई की पावर वन बाई बी है या ई की पावर वन अपॉन